इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। आपको बता दें कि इंडिगो के कई ऐसे विमान हैं जिसको बम से उड़ाने की धमकी लगातार सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं यह खबर सुनने के बाद जितने भी फ्लाइट्स में यात्रा करने वाले यात्री हैं उनमें एक अलग ही खौफ हो गया है और वो डर से गए हैं। आपको बताते चले कि त्योहारी सीजन चल रहा है और इसी बीच आप जानते हैं कि लोग घर आ रहे हैं और घर को आने का जो सिलसिला है वो लोगों का जारी हो चुका है। दशहरा बीतने के बाद दिवाली का पर्व आ रहा है, उसके बाद छठ का पर्व आ रहा है, जिसके बाद त्योहारों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और इसी को देखते हुए चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, चाहे वो फ्लाइट हो, आप देख रहे हैं कि सभी कुछ भरा हुआ नजर आ रहा है। जितने भी यात्री हैं वो खचाखच भर के अपने घरों को जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि इंडिगो के कई ऐसे विमान हैं जिसको बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग 70 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। सवाल यह है कि आखिर ये धमकियां दे कौन रहा है। और वही जब से ये खबर सामने आई है तब से कई ऐसे फ्लाइट्स हैं जिसको लैंड कराया गया है, उसकी जांच हो रही है, एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा चाक चौबंद है। आपको बता दें कि जयपुर में बीते दिन एक फ्लाइट को लैंड कराया गया है, इसके बाद दिल्ली में भी बताया जा रहा है सूत्रों की माने कि 3 फ्लाइट को लैंड कराया गया है। अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है फ्लाइट में, क्योंकि कहीं ना कहीं बम से उड़ाने की अगर धमकी दी जाती है या फिर ऐसी खबरें सामने आती है तो जरा सोचिए फ्लाइट में जितने भी यात्री बैठे होंगे उन पर क्या बीतेगी। और कहीं ना कहीं ये खबर सनसनी फैला दी, हड़कंप मचा दी। इसी बीच आपको बताते चले इंडिगो ने बयान जारी करके कहा कि मुंबई से इस्तांबुल तक उड़ान भरने वाली उड़ान संख्या 6E17 से जुड़ी स्थिति से अवगत है। हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जितने भी यात्री हैं वो चाहे स्पाइस जेट हो चाहे इंडिगो हो, इन विमानों पर एक कड़ा भरोसा जताते हैं। वहीं आगे इंडिगो ने कहा, हम संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और दिशा निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सावधानियां बरत रहे हैं। इंडिगो ने यही बयान उड़ान 6E11 के लिए भी दिया है। और इंडिगो को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर हो रहा है कि हम इस फ्लाइट में नहीं जाएंगे। और आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अभी तक बताया जा रहा है 70 से ज्यादा विमानों को धमकी मिल चुकी है कि हम आपके विमान को बम से उड़ा देंगे। और इंडिगो को धमकी मिलना, आप सोचिए कि करवा कौन रहा है या कर कौन रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है सभी के मन में कि आखिर पिछले कई दिनों से एयरलाइंस को बम थ्रेट्स के जो कॉल है वो क्यों आ रहे हैं और एयरलाइंस के पास बम थ्रेट्स का जो कॉल है उसकी संख्या क्यों बढ़ रही है। बताया जा रहा है सूत्रों की माने तो पिछले कई दिनों से लगातार एयरलाइंस को बम से भरी धमकी आ रही है, विमान को उड़ाने की धमकी आ रही है, तरह तरह की धमकी आ रही है। फिलहाल ये खबर बड़ी बताई जा रही है और इस वक्त ये बड़ी खबर है। और आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर के कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। सच टॉक्स इस बात की पुष्टि नहीं करते कि अभी फिलहाल कितने विमानों को उड़ाने की बात कही गई है।